हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ए भाई, गाड़ी आगे ले। बोला ना तुझसे, गाड़ी आगे ले तो आगे ले। अरे भाई कैसे आगे लूँ, गाड़ी खराब हो गई है ना। प्रॉब्लम बाद में देखना, धक्के मार के आगे लो पहले। अरे आप लोग भी मदद कीजिए। हम क्या मदद करें, तुम जल्दी। इस आदमी को मैं पहचानता हूँ सर, इसका मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। यानी कि वो रूट नाम का कंप्यूटर हैकर इसी जगह पे होगा। और वो रूट जरूर कोई खतरनाक प्लानिंग कर रहा है सर। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जिंदा पकड़ना है, ये जानने के लिए कि उसका मिशन क्या है। और इस मिशन में तुम दोनों साइबर कॉप की आगे भी जरूरत लगेगी। तुम यस सर, यहाँ बाहर गेट पे खड़े रहना। ओके सर, नजर रखना। चलो कोई नहीं। सब जगह देख लिया, यहाँ पे कोई नहीं है। खबर तो गलत नहीं हो सकती, यहीं कहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। शहर अभी भी गर्म है, लगता है यहाँ पे कोई था अभी। मगर सर, ऐन मौके पे भाग कैसे निकला? सर, हम लोग तो चारों तरफ से बंगले के अंदर घुसे, किसी को बाहर भागते हुए नहीं देखा है। सर, हाँ? सर ये मॉनिटर देखिए, ये तो घर के आसपास की फुटेज चल रही, कहीं हमें देख के भाग तो नहीं गया? हो सकता है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जरा जगह को अच्छी तरह से चेक करो, और पूर्वी इस कंप्यूटर को चेक करो, देखो क्या मिलता है। तब तक मैं गेट पे जाके देखता हूँ। महेश, महेश। यस सर। ये रोड अंदर नहीं है, लगता भाग गया। तुम यहीं पे खड़े थे? सर मैं यहीं पे खड़ा था, मैंने किसी को नहीं भागते हुए देखा। ऐसा कोई नहीं किया? नहीं सर। मेन गेट से तो कोई भाग गया नहीं, पता नहीं ये रूट कहां से चला गया। सर बाहर पीछे की तरफ एक गेट है, शायद वहीं से भाग गया होगा। सर वो कंप्यूटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ब्यूरो ले जाना पड़ेगा। सर ये रूट जरूर अपने उसी खतरनाक मिशन को पूरा करने में लगा होगा। ये रूट को किसी भी हाल में जल्द से जल्द ढूंढना होगा।
एक मिनट, पूरे घर में कहीं भी ये कारपेट नहीं है, और यहाँ पे कारपेट रखा हुआ है उसके ऊपर ये स्टूल, जरा हटाओ इसे। सर, सर यहाँ पे खुफिया दरवाजा। बड़े तुम यही रहो इनके साथ, हम लोग अंदर देखते हैं। तुम रूठो, आगे मत बढ़ना, मैं बोल रही हूँ। तुम गोली चलाओगी, मैं गोली चलाऊंगा, किसी का फायदा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। गन नीचे, गन नीचे। खुद को शूट कर दूंगी। नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं करोगी तुम ऐसा। गन नीचे। मैं गन नीचे रख रहा हूं, ये देखो, ये। अब बताओ किस मिशन में काम कर रही हो तुम? अब अगर अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हो तो यही वक्त है। मुझे कुछ नहीं कहना, जो भी कहना मेरा वकील कहेगा। सर, सर हमने इस रूट का कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस कर लिया है और इंक्रिप्शन में भी सफल हो गए। कुछ पता चला? हाँ सर, सर इसने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पे भयानक वीडियोस पोस्ट किए। डार्क वेब पर सर। एक्चुअली डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी काली जगह होती है सर, जहाँ पर हर मुजरिम अपने गैरकानूनी कामों को एक टेक्नोलॉजी की मदद से अंजाम देता है, जैसे हथियारों की तस्करी हो, किडनी की चोरी, या फिर किसी को मारने की सुपारी। सर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस साइट पर नहीं होता है। समझ में ये बात नहीं आती, जब सब कुछ इतने खुले में होता है, सबको पता है, तो इसे रोकने के लिए हम कुछ करते क्यों नहीं? सर इतना आसान नहीं है। एक्चुअली इस साइट पर जाने के लिए आपको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो चुनिंदा हाई प्रोफाइल मुजरिमों के पास ही होता है। जैसे कि ये रूट। यस सर। और सर जैसे कि हमें पता है कि इस डार्क वेब पे आईपी एड्रेस और यूजर आईडी ये दोनों गुप्त रहते हैं। जरा दिखा कौन से वीडियो डाले इस रूट ने।
अरे बाप रे, ये तो किसी डरावनी फिल्म का भयानक सीन है। ये सीन क्यों डाला डार्क वेब में? सर ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये सब असली में हुआ है और किसी हीरोइन के साथ नहीं बल्कि एक मासूम लड़की के साथ। जहां तक मुझे याद आ रहा है इसे स्नफ फिल्म कहते हैं ना? हाँ सर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इन वीडियोस की। कौन है ये लड़की? मुझे नहीं पता। तुम जिम्मेदार हो इसकी मौत की? नहीं नहीं सर, मैं किसी की मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे तो बस पैसे दिए गए थे ये वीडियो डार्क वेब पे डालने के लिए और मैंने बस डाल दिया। किसने दिए पैसे? मुझे नहीं पता। नहीं पता कहने से काम नहीं चलेगा, एक लड़की की जान गई है। सर मेरे यकीन कीजिए, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए गए थे मेरे अकाउंट में, किसने किए मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं है तो पता करो, कंप्यूटर की बहुत बड़ी महारत ही हो ना, ये पता करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, पता करो। अभिजीत, अगर कोई इस तरह का फिल्म बना के अपलोड कर रहा है तो हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा जो ये मौत का खेल खेल रहा है। एक काम करते हैं, इस लड़की की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, एक बार पता चल जाए लड़की कौन है सारा मामला साफ हो जाएगा। जी कहिए, किससे मिलना है? ये रिया का घर है ना? हाँ, मैं उसका पापा। आइए। वो हम लोग सीआईडी से हैं, आपके लिए एक बुरी खबर है, आपकी बेटी रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। पता है, मगर आप उसके मौत के 10 दिन बाद क्यों आए हैं ये सब बताने? आपको पता है कि आपकी बेटी रिया की मौत हो गई है? आप उस कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं ना, तो आपको ये तो मालूम पड़ा होगा कि रिया का तो फ्यूनरल भी हो गया है। एक मिनट, आप किस कार एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? वही जिसमें हमारी रिया चल बसी है, शी टैक्सी में वो पुणे जा रही थी। नहीं नहीं, रिया की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, ये रिया है? हाँ ये रिया ही है, एक्सीडेंट वाले दिन उसने यही कपड़े पहने थे। एक मिनट, सॉरी बाबू, लगता है कुछ कंफ्यूजन है। आप जरा बताइए कि आपकी बेटी रिया का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था? शेयर टैक्सी में वो पुणे जा रही थी, सात और लोग भी थे उसके साथ, तो रास्ते में उसकी गाड़ी का बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया, पूरी कार आग के लपटों में झुलस गई, मरते वालों के तो चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। तो आप लोगों ने रिया को कैसे पहचाना? उसके सामान के जरिए बस हम उसे पहचान पाए। आपने ये नहीं बताया कि ये फोटो कब की है? वैसे हम लोगों को भी पता नहीं कि ये फोटो कब की है, पर पता चलते ही हम आप लोगों को बता देंगे। लगता है रिया का ये एक्सीडेंट सिर्फ एक दिखावा था उसकी मौत की असली वजह को छुपाने के लिए। सर अगर रिया का कार एक्सीडेंट एक दिखावा था तो वो बाकी के साथ लोग जो उसके साथ गाड़ी में थे कहीं वो भी रिया की तरह ही तो नहीं मारे गए? हो सकता है, सबके परिवार वालों से मिलना पड़ेगा। किस्मत अच्छी थी हमारी कि जो सात लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे उनमें से एक का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। देखते हैं डॉक्टर सालों के इस लाश से क्या सुराग निकाल पाते हैं। वैसे भी लाशें इतनी बुरी तरह से जल गई हैं कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल है। तुम लोगों का शक एकदम सही था, ये लाश टोनी की नहीं। लग ही रहा था सर हमें, लेकिन ये कौन है कुछ पता चला? यार ये तो पता नहीं लगा है कि लाश है किसकी, लेकिन ये पता चला है कि इस आदमी को कैसे मारा गया। मैंने इसके बॉडी का स्कैन किया तो पता लगा कि इसके पेट में चाकू का बहुत गहरा घाव है। चाकू से? हाँ चाकू का, और मुझे लगता है उस चाकू के वार की वजह से ही इसकी मौत हुई। मतलब चाकू से मारा किसी और को और उसे टोनी बता के एक्सीडेंट का हिस्सा बना दिया। ये गैंग आखिर करना क्या चाहता है? और इस आदमी की मौत 3 हफ्ते पहले हुई है। ये कार एक्सीडेंट हुआ 10 दिन पहले? वही तो, मतलब कार जब एक्सप्लोजन में जलाई गई उससे कहीं पहले इस आदमी की मौत हो चुकी। 3 हफ्ते से इसकी लाश संभाल के रखी थी ताकि इस भयानक खेल को अंजाम दिया जा सके। यार देख काम करते हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे चलते हैं, पता करते हैं एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। मैं तो मजे से कार चला रहा था सर और रेडियो पे गाने सुन रहा था,
तभी अचानक से मैं जोर का धमाका सुना। मैं तुरंत अपने कार से निकला और मैंने देखा कि मेरी सामने एक कार आग की लपटों में जल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो ये कितने बजे की बात है? सर मुझे लगता है कुछ शाम के 5 बजे होंगे। है? ये कैसे हो सकता है? सर एक सेकेंड, सर ये टोल नाके की फुटेज देखिए सर, यहाँ पे तो गाड़ी 3:30 बजे क्रॉस हुई थी, फिर ये जगह वहां से 20 किलोमीटर दूरी है सर। तो 20 किलोमीटर का सफर तय करने में 1.5 घंटे तो नहीं लगने चाहिए। रास्ते में कोई ढाबा होटल भी नहीं है, कोई चाय वाय के लिए रुक जाए जहाँ पे। एग्जैक्टली तो हिसाब से गाड़ी को यहाँ पे 4 बजे पहुंच जाना चाहिए था, मगर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ 5 बजे। इसका मतलब है ये जुर्म इस 1 घंटे में ही हुआ है। तो गाड़ी को उस समय कहीं ले जाया गया और उन सबको उतार के उसमें 7 लाशें रख दी गई। और उसके बाद गाड़ी को यहाँ पे लाके ब्लास्ट करवा दिया। सब प्लान था सर। सर लगता है इन सब लोगों को वहीं लेके गए हैं जहाँ पर रिया को लेके गए थे वो स्नफ फिल्म बनाने के लिए। जगह जल्द से जल्द ढूंढनी होगी यार। कुलवी ने एसएमएस भेजा तो किसी पेड़ की फोटो है। हाँ पूर्वी। सर ये पेड़ जिसकी फोटो भेजी है मैंने, इसे मोरिंगा ऑलोफेरिया कहते हैं सर। हाँ सर, ठीक ऐसा ही पेड़ रिया वाले फुटेज में भी है, ये देखिए। सर उस फुटेज का स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ मैं। सर ये पेड़ महाराष्ट्र के 2 जंगलों में पाए जाते हैं। ये तो एग्जैक्टली वैसे ही पेड़ है महाराष्ट्र के 2 जंगलों में। कौन कौन से जंगलों में? सर एक जंगल है जो नासिक के पास है और दूसरा जंगल एक्सीडेंट वाली जगह से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है, और इस जंगल का नाम है प्रीफिक्स फॉरेस्ट। जरूर ये मौत का खेल इस प्रीफिक्स जंगल में ही हुआ है। प्रीफिक्स फॉरेस्ट तो काफी बड़ा जंगल है यार, मीलों तक फैला हुआ है। फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद लेनी होगी। इस जंगल में ये सब हो रहा है यकीन नहीं होता। क्या आपकी इन्फॉर्मेशन पक्की है ऑफिसर? पक्की नहीं होती तो यहाँ तक आते नहीं हम लोग। आप बताइए कुछ हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना आप लोगों ने कुछ सुनी हो, कुछ देखी हो, जंगल के अंदर कुछ हुआ हो? बिल्कुल नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता तो हम जरूर उस पर ध्यान देते। चलो कोई नहीं, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार हम जंगल देखना चाहेंगे। वैसे सर आप लोग पूरा जंगल देखना चाहेंगे? क्योंकि मीलों तक फैला हुआ है ये, इसमें काफी वक्त लग सकता है। नहीं नहीं हम पूरा जंगल नहीं देखेंगे, हमें जंगल का वो हिस्सा दिखाइए जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि अक्सर सुनसान इलाकों में ही जुर्म पनपता है। ओके ऑफिसर्स, विनोद मेघना इन्हें जंगल के उन इलाकों की दिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके जी सर। यस सर। सर एक सेकेंड, सर ये देखिए, सर ये जंगल का सबसे घना और सुनसान इलाका है, मेरी समझ से हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। ठीक है देखते हैं। यहाँ पेड़ पे देखा? छोटा सा कैमरा, मतलब हम लोग सही जगह पे आ गए हैं। यही वो जगह है जहाँ पे वो फिल्म बनाई जा रही है। कैमरा ऊपर भी है, उस तरफ बैंड है। शायद इस कैमरे से कुछ पता चले उनके अड्डे के बारे में। नहीं अभिजीत, ये तो हाई एंड वायरलेस कैमरा है, इसके जरिए पता लगाना मुश्किल है कि इसमें जो स्टोर्ड फुटेज है वो कहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, और इस जंगल में पता नहीं और कितने कैमरास हैं। देखते हैं आगे शायद कोई कैमरा मिल जाए जिससे कुछ पता चले। सर सही निशान देखिए, मुझे लगता है हमसे पहले यहाँ कोई आया है। हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
सर ये निशान यहीं तक है सर, इसका मतलब उनका अड्डा यहीं कहीं है। सर सर जल्दी आइए। एक मिनट, एक सेकंड। घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। उठो। सर आप लोग सीआईडी से, मुझे बचा लीजिए सर। यहाँ फंस कैसे गए तुम? सर मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा सर, उस खूनी ने एक एक करके सबको मार दिया। तुम लोग यहाँ आए कैसे? हम शेयर टैक्सी में सवार होकर सफर कर रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई और कार रुक गई। सड़क पर पहले से किसी ने किले और कांच के टुकड़े रखे हुए थे सर। फिर इसके बाद कुछ लोग आए जिनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे और जब तक हम पूछ कर पाते उन्होंने हमें बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए। और जब मुझे होश आया तो मैं इस घने जंगल में था सर। सर मैं ही जानता हूँ कि इस जंगल में मैं भूख प्यास से कैसे रहा हूँ। कभी लकड़ी खाई तो कभी पेड़ के पत्ते, और जब भी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती तो समझ जाता किसी की जान चली गई। यहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उनके पकड़ में नहीं आए। सर पकड़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि उन्होंने एक कैमरा मेरे कमीज के बटन में लगाया हुआ था और वो बटन मैंने तोड़कर फेंक दिया। शायद इसी वजह से वो मुझे ढूंढ नहीं पाए। तुम्हें अंदाजा है कि बाकी के लोगों में कितने लोग जिंदा हैं अभी तक? मालूम नहीं सर, पर कल रात जब मैं पेड़ पर बैठा हुआ था मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई थी। ना जाने वो उनको घायल कर रहे हैं या फिर जान से मार रहे हैं सर। किस तरफ से आवाज़ आई थी, कौन सी दिशा से, कुछ याद है आपको? मेरे पेड़ इस तरफ, शायद उस तरफ से सर। सर खून, सर यहाँ पर भी। इसका मतलब उनमें से कोई घायल है, किस तरफ गया होगा? सर सर ये देखिए, खून के कुछ निशान इस तरफ भी जा रहे हैं। इस तरफ भी खून का निशान है और इस तरफ भी, दोनों तरफ है, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। पंकज पूर्वी तुम लोग इधर देख लो, हम लोग इधर देख लेते हैं। विनोद तुम इनके साथ जाओ और हाँ, और आधे घंटे में अपडेट दे देना, ठीक है? आप आइए। एक मिनट वो क्या है? घर? शायद घायल विक्टिम ने यहीं पर पनाह ली हो। जंगल के बीच में घर, मगर नक्शे के हिसाब से तो यहाँ कोई घर नहीं था। हो सकता है ऐसे फिल्म बनाने वालों को ऐसे लोकेशंस की जरूरत पड़ती हो ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। हो सकता है उस घर में जो घायल आदमी है वही मुजरिम हो सकता है पंकज, और ये भी हो सकता है कि आगे और भी कैमरास लगे हों। होशियार रहना। पंकज टॉर्च। ये घर तो एकदम हिंदी फिल्मों की डरावनी पिक्चरों जैसा। ये देखो, उस घायल विक्टिम को यहीं पर लाया गया है। वो आवाज सुनी? अंदर से आ रही है।
छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। बाहर आओ। मेरे पास मत आना, मैंने कुछ नहीं किया। देखो हम लोग सी आई डी से, घबराओ मत, आओ कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा अच्छा यहीं पे, यहीं पे। अरे पूर्वी ये लाइट कहाँ से आ रही है? पंकज, पंकज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे पंकज सर, पूर्वी मैम, पंकज सर। खून के निशान तो यहाँ के खत्म हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? घायल आदमी अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ से अचानक कैसे गायब हो जाएगा? शायद वो मुजरिमों के हाथ लग गया यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद। हो सकता है, पता नहीं मोहित के अलावा और कोई है जिंदा कि नहीं। एक घंटा हो गया तो पूरी और पंकज का कोई फोन कॉल नहीं है। पूरी फोन उठा नहीं रही है पंकज, देखता हूँ। पंकज भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे यार किसी मुसीबत में नहीं है दोनों? चलो चल के देखते हैं, चलो। यहाँ पे फोन इस तरफ गए थे। अंदर शायद कोई हो, मैं अंदर जाके देखता हूँ। ठीक है, तब तक मैं यहाँ बाहर देखता हूँ। पंकज, 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 कैसे? उठो, उठो, सर, उठो। क्या हुआ? हाँ, सर वहाँ पे घर में गए थे सर। वहाँ पे एक लड़की थी सर। हाँ सर, सर बात ही कर रहे थे सर, पता नहीं एकदम से इतनी रोशनी आई सर कि कुछ दिखने नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो घर से जैसे जैसे मैं निकला बाहर, शायद यहाँ गिर गया सर, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, एकदम चक्कर आ रहा है। और पूर्वी विनोद वो कहाँ है? सर वो लोग पता नहीं सर, अंदर थे बाहर निकले पता नहीं सर। ओह नो, क्या हुआ क्या तुम्हें? ये ठीक है, पूर्वी और विनोद मिले नहीं, उस घर के अंदर तो कोई भी नहीं। ओह गॉड, उन्हें कहीं कुछ हो ना गया हो। सब तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, हमें वापस जाना होगा। चलो, क्या मतलब? देखो दया, हमें यह नहीं मालूम है कि अपराधियों की तादाद कितनी है, कितने कैमरे लगा रखे हैं यहाँ पे, कितने हथियार हैं उनके पास, ऊपर से हम पे हर वक्त नजर रखे हुए हैं। अभी फिलहाल हम उनसे मुकाबला करने की तैयारी में नहीं है। और पूर्वी उसे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाएंगे हम?
यार दया देखो, पूर्वी उनके चंगुल में फंस चुकी है। हम उसको बचाने जाएंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। अभिजीत क्या हो, क्या गया तुम्हें? कुछ याद है सीआईडी में हमें पहले क्या सिखाया था? यही कि सबसे पहले अपने साथी को पीछे मत छोड़ना, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो। अरे यार, हर लड़ाई रूल बुक के हिसाब से नहीं लड़ी जा सकती। हमें यह भी सिखाया गया था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना अलग अलग परिस्थितियों में। आई एम सॉरी, तुम्हारे इस थॉट से मैं एग्री नहीं करता। आई एम सॉरी, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, बिना पूर्वी के मैं यहाँ इस जंगल से बाहर नहीं जाने वाला। जिद मत करो दया, हमें यह भी नहीं मालूम है कि पूर्वी जिंदा है कि नहीं। अभिजीत वो एक सीआईडी ऑफिसर है, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है वो। बेचारी अकेली लड़ रही होगी उन मुजरिमों से, और अब जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी, हम पीठ दिखा के भागेंगे यार। ज्यादा जरूरी ये है कि जो लोग उस गिरोह के कैद में नहीं आए हैं उनको बचाया जाए। और तुम्हें पूर्वी की इतनी परवाह है तो जिद मत करो, मेरे साथ चलो, हम लोग अच्छी प्लानिंग बना के वापस आएंगे। चलो। इसे हो क्या गया? सर, सीआईडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सीआईडी किसी से डरकर दुम दबाकर भाग गई। हाँ सर, पहुंच गए आप? हाँ, बस उसी जंक्शन पे रहिए, हम लोग आते हैं वहां पे। अरे सालुके सर, आप यहाँ? मैं यहाँ। अरे अरे, तुम्हें क्या लगा हम लोग पूर्वी को ऐसे ही छोड़ देंगे जंगल में मरने के लिए? हैं? तो आपका और दया सर का झगड़ा टूटा था? जब अभिजीत ने वहां पे कैमरा देखा तो उसने मुझे इशारा किया। पता नहीं और कितने ड्रोन लगा रखे होंगे हम पे नजर रखने के लिए। जो आदमी उस कैमरे के जरिए हम पर नजर रखे हुए था, उसकी आंखों में धूल झोंकना जरूरी था। इसलिए अब वो लोग ये सोच के बैठे होंगे कि हम लोग जंगल से निकल गए, थोड़े रिलैक्स भी हो जाएंगे। यही मौका है हम पे हमला करने का। जी, ये लो, ये तुमने मंगाया था। ये क्या डिवाइस है सर? ये जैमर है पंकज। आस पास इस एरिया में जितने भी कैमरे होंगे सब जैम हो जाएंगे। अब वो हम पे नजर भी नहीं रख पाएंगे। और ये ड्रोन, ड्रोन पे जो कैमरा लगा है इसकी रेंज 7 किलोमीटर सिर्फ। बैटरी तो खत्म होने वाली है। इसका मतलब अगर हम इसे नहीं पकड़ते तो ये वापस उनके अड्डे पे जाता बैटरी बदलने के लिए। जरा अब आईपैड निकालना, नक्शा निकालो उसमें। ये वो जगह है जहाँ पे हमें ये ड्रोन मिला था, और इसके पास ही वो बंगलो है। लगता है यही होगा मुजरिम का ठिकाना। तो चलते हैं, चल के आजाद कराते हैं पूर्वी और बाकी जो जिंदा बचे हुए लोग हैं उनको। चलो। नहीं सर, आप मेघना और मोहित आप लोग यहीं पे रुकिए, हम लोग देखते हैं। स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी इन लोगों ने। सर, ये लोग अगर हमें मारना चाहते तो पहले ही मार देते। हमें हमें मारते हुए क्या ये फिल्म बनाना चाहते? ए!
सच जा सच मैं हूं पंकज पूर्व तुम ठीक हो हाँ सर बोलो किधर है सर उस तरफ हम मुजरिमों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं अब किसे पता था कि हम मुजरिम को अपने साथ ही लेके घूम रहे हैं आप लोग यहाँ कैसे किसने छुपाया आप लोगों को सीआईडी को कैद करना इतना आसान नहीं मौका देखते ही मैंने वो खिड़की तोड़ी और वहां से बाहर निकल गई और उसके बाद मैंने उन्हीं लोगों का पीछा किया जिन लोगों को तुमने भेजा था मुझे ढूंढने के लिए और फिर मैंने उस नकाबपोश आदमी को देखा और उसका भी पीछा किया देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मगर इससे पहले कि मैं बाकी ऑफिसर्स तक पहुंच पाती तुम्हारी उस सोनिक बूम वाली आवाज ने इन्हें बेहोश कर दिया था वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं दूर थी और उस आवाज का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस नकाब को ही मैं अपना हथियार बना लूं जिस बेरहमी से तुमने लोगों की जान ली है तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो अब ये बताओ तुमने ये सब किस लिए किया ये सब मैंने पैसों के लिए किया है सर जितने पैसे मुझे इस काम के लिए मिल रहे थे ना उतना तो मुझे अपनी जॉब में 5 साल में भी नहीं मिलता और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है रोज इतने लोग मरते हैं अगर 2-4 और मर गए तो क्या हुआ तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि तुम कितनी बीमार हो बाकी लोग कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ में थे मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया सर इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं और वैसे भी मैंने कोई भी खून अपने हाथों से नहीं करा है मुझे तो एक औरत ने करोड़पति बनने का ऑफर दिया था जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कौन औरत बहुत बहुत अजीब सा नाम था उसका रूट रूट तो रूट है सबके पीछे मास्टरमाइंड अब उसने ऐसा क्यों किया उसका जवाब तो अब वही देगी तो जहां तक तुम्हारा सवाल है कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.